कर रही हो, तो आपको इसमें किसी और ने मशवरा नहीं दिया था, अपना ये आपका स्टेप है? नहीं, इसमें मुझे एक शख्स ने मशवरा दिया था और मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे ये डिग्री चूज करने में मेरी मदद की थी। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, जिसमें आसिफ खान आप लोग का भाई यार दोस्त। आज हम अपने कोरियर का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लड़कों से और लड़कियों से उनके गलत और सही स्टेप का पूछेंगे कि उन्होंने आज तक लाइफ में कौन सा अच्छा स्टेप लिया और कौन सा गलत स्टेप लिया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट वो आते रहे। हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मुल्तान की वाइफ को, उसमें आपको शॉर्ट मूवीज मिलेंगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं सब बढ़िया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू, आप सुनाओ? आई एम आल्सो गुड। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आप खुश हो? आप खुश हो? आप खुश हो? आप खुश हो? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी हो तो ऐसी हो। वेल डन। आप ये बताओ, आपके लाइफ का अब तक का गुड स्टेप जो आपने लिया हो? गुड स्टेप बहुत सारे लिए हैं। अच्छा। उनमें से एक ये डिग्री चूज करना, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये मेरी लाइफ का मुझे लगता है सबसे अच्छा फैसला था। अच्छा। क्योंकि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सारे वो सब्जेक्ट हैं जो जिनमें मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा, और मुझे पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है और बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ इस डिग्री। कर रही हो तो आपको इसमें किसी और ने मशवरा नहीं दिया था, अपना ये आपका स्टेप है? नहीं, इसमें मुझे एक शख्स ने मशवरा दिया था। अच्छा। और मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे ये डिग्री चूज करने में मेरी मदद की थी। थैंक्स। हमारे लाइफ का अब तक का अच्छा स्टेप जो आपने लिया हो, मेरे फैंस को बताओ। अच्छा स्टेप बीजेडीयू में आना। लेकिन सुन के अच्छा लगा, बीजेडीयू में आना आपका अच्छा स्टेप था? हाँ जी। क्यों लोग बीजेडीयू से, मतलब 50% वो खुश नहीं है? बीजेडीयू नाराज भी ना हो मुझसे। सुन इतना बेटे बात सुन। मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि उनको ना, मतलब कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलती, के यहाँ पर उनको जो उनकी विशेस हैं, ख्वाहिशात हैं, वो उनकी पूरी नहीं होती। जैसे आपको समझ रहे होंगे क्या मैं समझ गया हूँ। समझ रहे हो? कौन सी विशेस की बात कर रहे हो आप? बस वो कुछ होती है ना, अपनी नफ्सी ख्वाहिशात। और तेरी पूरी हो रही है यहाँ पे? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम पूरी हो रही है। आर यू कॉमेडी मी? हम समझ सकते हैं आप जिन ख्वाहिशात की बात कर रहे हो। जी जी समझ। तो कितनी है हमारी यहाँ पे बाबीज वगैरह? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। काउंटिंग में नहीं आ रही। काउंटिंग में नहीं आ रही। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। बड़ा डेंजर बंदा है। आपके लाइफ का अब तक अच्छा स्टेप जो आपने लिया हो? अच्छा स्टेप ये है कि मेरी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां मुश्किलात आई हैं, अच्छा, मैं कभी भी उनसे डर के बैठी नहीं हूँ। वाओ वेल डन। मेरी कोशिश ये है कि मैं साथ साथ ना अब खुद को भी ग्रूम करूं और खुद को किसी काबिल बनाऊं। अच्छा। अब जैसे मैंने सोचा मैं ब्यूरोक्रेट बनना है, तो ये जिंदगी का अच्छा ही है कि मैं बन जाऊंगी तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। बनोगी इंशाल्लाह। एक बंदा जब कोई चीज डिसाइड करता है और अपने मर्जी से उस चीज में जो है ना वो मेहनत करता है उस चीज पे, तो वो बंदा फिर पीछे नहीं रहता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंशाल्लाह। तो ब्यूरोक्रेट्स बनने का सपना कहाँ से आया? क्यों ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहती है? वो इसलिए बनना चाहती है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोफेशन है ना, उसमें हमने दब के ही रहना है। हम कभी भी उस पे ऊपर नहीं आ सकते। अगर मैं पढ़ी रही हूँ, इतनी मेहनत कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा ऊपर का सोच लूँ। ऊपर का सोचूंगी तो मेरे जैसे नीचे जितने भी लोगों के, उनकी मैं हेल्प कर सकूंगी। अगर मैं पहले ही छोटी जॉब पे जाऊंगी तो मेरे से नीचे के ऊपर वालों को भी नहीं देख सकूंगी। देख सकोगी, सही बात है। तुम्हारी लाइफ का अब तक का अच्छा स्टेप जो आपने लिया हो? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अच्छा स्टेप यही है कि अभी तक पढ़ते आ रही। अच्छा फिलहाल अच्छा यही है स्टेप के, पढ़ रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर। लेकिन लोग कहते पढ़ना आजकल टाइम वेस्ट करने के बराबर हो गया है, क्योंकि अब कहते कि कारोबार करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? सही कह रहे। अच्छा पढ़ाई की वैल्यू नहीं है अपना साथ, पढ़ना ठीक है पढ़ो, इल्म हासिल करना अच्छी बात है।
बात तो सही है, साथ अपना कारोबार करते रहो। शायद अनवर आप से इस टॉपिक में मैंने पहले भी इंटरव्यू ली थी, वो कहता है कि आप 24 साल पढ़ने लिखने में जाया करते हो, उसके बाद आप बूढ़े हो जाते हो, आप कारोबार करने के काबिल नहीं रहते। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, वो अपने लायमल पे खुद उसने पैरवी की है ना। अच्छा, पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी जबान देख लो। अब बाशऊर जो बंदा होगा उसको बोलने का तरीका होगा, गजब बेइज्जती है। मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता, नहीं, बंदे में एथिक्स भी होने चाहिए। एथिक्स मेन चीज तो एथिक्स ही है ना। well, जब इज्जत दोगे नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। सही बात है। आपके लाइफ का कोई खराब स्टेप जो अब तक आपने लिया हो? मेरी लाइफ का खराब या बुरा फैसला? बुरा फैसला जो आपने किया। मैट्रिक के बाद जो मैंने कॉलेज चूज किया था। अच्छा। वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा फैसला था। नो गॉड प्लीज नो नो। हालांकि इतना कोई खास प्रेशर भी नहीं था मुझ पे। अच्छा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो मैंने वो फैसला किया था वो कॉलेज चूज करके वो बहुत गलत फैसला किया था। कॉलेज मतलब कौन से कॉलेज में किया? वो था खानेवाल में है वो RS इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो आपको उस कॉलेज में आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए था। क्या मैंने वजह, क्यों आप उस कॉलेज से इतनी मतलब उस... बस मैं आपको नहीं क्या बताऊँ, बस आप ये जान लें कि मुझे लगता है वो बहुत बुरा फैसला था और मैंने अपने 2 साल मुकम्मल वेस्ट कर दिए हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि पढ़ाई के लिहाज से अच्छा नहीं था या हर लिहाज से किसी हर लिहाज से बेकार था। गजब बेइज्जती है। कहते हैं कि मेरी मर्जी थी, मेरा इख्तियार था, लेकिन मैंने वो जो फैसला किया बिल्कुल बेकार था। अच्छा, तो आप इधर ही आ जाती है, आप जैसे आप लोग इधर आप आए रिजल्ट? नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने जाना था सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज जाना था, मैंने अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैंने भी सुपीरियर कॉलेज से पढ़ा है। इतनी खुशी मुझे आज तक। हाँ, मैंने भी सुपीरियर जाना था, लेकिन हम वहाँ विजिट करने गए थे फादर के साथ, तो उन्होंने मेरे फादर को इतने अच्छे से ट्रैप किया, तो फादर ने मुझे बाबा ने इमोशनल बैक मिल किया कि बेटा यहीं ले लो, अच्छा कॉलेज है, अच्छा ये वो, और फिर मैंने एडमिशन ले लिया बस इसी चक्कर में। शाबाश बेटा। अच्छा, चलो आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारे लाइफ का अब तक का जो खराब स्टेप आपने लिया है वो बताओ। खराब स्टेप यार बस ना पूछे यार। ए भाई बता भाई मेरा भाई क्या हुआ जानी? बेवफा निकली यार, बस क्या करें साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आपके पास तो दर्जने हैं। जिंदगी पहले उसने जिंदगी खराब कर दी ना आदि। अच्छा। वो एक जो खराब फैसला जो मैंने किया, आप जिसको पसंद करते थे, बस उस पर मैंने अपना फैसला खराब कर दिया, जो उसके ऊपर मैंने दिल दे दिया ना उसको। बेवफा निकली, उसने बेवफाई करके मेरा सब जो वो पहला फैसला था जो मैंने गलत किया। नहीं जानी क्यों वो क्यों बेवफा निकली? आप गरीब थे, क्या सीन था? बस यही समझ लें कुछ ना, मतलब ज्यादातर तो आप अमीर लग रहे हो। ज्यादातर वो होते हैं ना जो कहते हैं कि लड़के कब होते हैं हसीन, लड़के तो अमीर या गरीब होते हैं। ओके, आपसे मिलके खुशी भी। मैं दुआ करूंगा कि उसके नसीब अल्लाह अच्छे करे। खैर, उसने तो आपको धोखा दे दिया। नहीं, उसके नसीब नहीं अच्छे करने। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने अभी तक लाइफ में जो खराब स्टेप लिया है, आप उस पे बात करें, वो आपने कौन सा खराब स्टेप लिया है? मेरे खराब स्टेप ये हैं कि मैं बहुत ही जल्दी दूसरों पे इतबार कर लेती हूँ, ट्रस्ट कर लेती हूँ। दिल की साफ हो? हाँ, दिल की साफ हूँ। नहीं मानता। अच्छा। और बहुत जल्दी दूसरों पे मैं इतबार कर लेती हूँ। उसी इतबार की वजह से ना मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता है। रुल जाती हूँ, रुल जाती हूँ। मैं कहता हूँ ये जो लोग दिल के साफ होते हैं उनको फिर लोग मतलब मार खाते हैं वो लोग। हाँ, बहुत ज्यादा खाते हैं। क्यों ऐसा है? मतलब हम ऐसे किसी को... वो लोग ये समझते कि हम लोगों में सेंस नहीं है। बेवकूफ हैं हम बेवकूफ हैं, बट हमें पता सब कुछ होता है, बस हम ये सोचते हैं कि शायद आज ये समझ जाए। अच्छा। और ये हमारे साथ ठीक हो जाए। अच्छा। अब बस जिसने नहीं समझ उसने नहीं समझ। आपने लाइफ में मींस खराब स्टेप लॉट्स ऑफ टाइम लिया है, बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन अब जब तक मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ तो मैं यही चीज करती हूँ कि किसी से ज्यादा नहीं बोलती। अच्छा। कोई दोस्ती है नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेल डन, बहुत अच्छा करती हो। इतनी खुशी मुझे आज तक। अब ये बताओ आपका जो खराब स्टेप है लाइफ का वो आपने कौन सा लिया? इधर एडमिशन लेके हमारे मतलब आपको मत सिखा चल।
जेडीयू में एडमिशन। अब वो क्यों, मतलब बीजेडीयू में ऐसा क्या इतना मतलब कोई थक्कड़ डिपार्टमेंट है चाहिए था? इतना कोई थक्कड़ डिपार्टमेंट है यहाँ का? अच्छा कि सिर्फ लोंडे ही हैं। रवि साले सिर्फ लोंडे ही, लोंडे ही हैं, लोंडिया नहीं है कोई, एक आदि भी हो। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो लेकिन यार चलो क्लास में अगर 10 लड़के हैं तो 15 एक लड़कियां रख लो कम से कम, ज्यादा नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। यू आर राइट। नहीं तो आपकी क्लास में तो माशाल्लाह मतलब हालात बिल्कुल बेस्ट है, फिर क्या सीन है तुम्हारा? हां के बेस्ट है। वो कोई है तो वो देखती नहीं है। क्या बोला तूने? अच्छा पता नहीं क्या कैसा डिपार्टमेंट है, लोंडे हमारे ये देखें ऐसे जैसे ये घूम रहे हैं। अच्छा लवारिस हैं, पता नहीं आवाज आ रही है ये भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अच्छा नहीं तो मतलब आप तरसे आपको कोई बच्ची लड़की लड़की होती मेरी सर तरसे हुए नहीं है। देखे ना हमें बॉयज बचपन से लेके अभी तक बॉयज स्कूल बॉयज हॉस्टल बॉयज कॉलेज। आप यूनिवर्सिटी में खुश थे कि लड़कियाँ होंगी, वो डिपार्टमेंट में आके लड़कियाँ ही नहीं। हमें देखना था कि लड़की चीज क्या होती है। उतर है मैं तेरी इंक्वायरी कराना, मैं तेरा साहब लाना। अच्छा अब पता ही नहीं है ना, दाखिला ले ले, हमारा जानी बहुत तरसा हुआ है। नहीं तो मेरे फैंस को क्या पैगाम देना चाहोगी कि वो इस चैनल को क्या करें? वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इनको सपोर्ट करें आपके एक लाइक से, और आप सबके एक एक लाइक से इनका चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। फैंस को मैं यही कहूँगा कि आसिफ भाई भाई हमारे क्लास फेलो हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और रिसेंटली इनका 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुआ है, और अल्लाह इनको मजीद कामयाबी दें और आपको सपोर्ट करें, सपोर्ट करें लोग। थैंक यू सो मच। थैंक्स। चैनल फ्रेंडोग्राफी के लिए लोग क्या कहोगी कि लोग इस चैनल को क्या करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी कुछ है तो वो भी कर दें। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। चैनल को क्या करें लोग? चैनल को डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। थैंक्स। पता है हमारे व्लॉग का एंड, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, हमारी वीडियोस को पूरा वॉच करते रहो, हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहो। जिन लोगों को इस चैनल की वीडियोस बड़ी लगती है वो हमारे मुल्तान के फैंस को सब्सक्राइब करो, उधर आपको शॉर्ट मूवीज मिलेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग अस, लव यू।